आज ये कह रहा था कि मोहब्बत की जाती है, मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब की हर हर अदा पे अपनी जान फिदा कर दी जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला बड़े जलील कदर सहाबी हैं, बड़े उस्ताद आलिम हैं। उनके पास हदीस पढ़ने के लिए तालीम की जमात हुआ करती थी, हमेशा साथ कुछ शागिर्द रहते थे। पास सहाबा सहाबा इकराम की जमात में से ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा उस्तादी शागिर्दी वाला एक तरीका अपनाया है, जैसे हजरत अनस बिन मालिक थे। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथ भी कुछ इस तरह के शागिर्द लोग मौजूद होते थे, वो उनसे सीखा करते थे। एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न मसूद असर के बाद मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले, शागिर्द भी जिस तरह आदत के मुताबिक उस्ताद के पीछे हो जाते हैं या मुर्शिद के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, कुछ शागिर्द भी साथ आ गए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद आबादी से बाहर निकले, एक छोटा सा टीला नजर आया, उसके ऊपर अपनी ऊंटनी को यूं चक्कर दिया और वापस चल पड़े। शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर आप कोई ऐसा काम नहीं करते जो लायानी हो, जिसका कोई मतलब ना हो, आप हमेशा काम के करने वाले काम करते हैं, आप अपना टाइम जाया नहीं करते जिस तरह मैं और आप टिकटॉक पे टाइम जाया करते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, अब्दुल्लाह इब्ने उमर तो अपना टाइम नहीं जाया करते थे, क्योंकि उनके सामने हुजूर का फरमान था बिन हुस्नि इस्लाम अल-मर्ई तर्कुहु मा ला यानीहि, मुसलमान के इस्लाम का निखार यह है कि वो अपना वक्त जाया ना करे, लायानी काम ना करे, ये हुस्न है इस्लाम का। हुजूर ने फरमाया उसका अच्छा इस्लाम है जो अपना वक्त भी जाया नहीं करता, लायानी काम भी नहीं करता, मुंह से यावा कोई भी नहीं करता, काम की बात करता है, वक्त भी जाया नहीं करता। ए अब्दुल्लाह इब्ने उमर आप बताइए, आप मदीना से बाहर निकले, आपने एक टीले का चक्कर लगाया और वापस आ गए। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहने लगे एक मर्तबा यही टाइम था मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी ली, आप बाहर निकले, आपने इसी टेले का यूं चक्कर लगाया, मैंने नहीं पूछा आपने ये क्यों किया है, मैं तो फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ, मैंने नहीं पूछा कि हुजूर आपने क्यों किया है, मेरे महबूब ने किया था मैं नहीं कर रहा। तो मोहब्बत का तकाजा क्या है कि महबूब की सुन्नत पे आंखें बंद करके अमल करना शुरू कर दे और अपनी निस्बत हुजूर से जितनी मजबूत कर सकते हैं करें।